हेलो फ्रेंड्स आज हम आस्थमा क्या होता है ये जानते हैं आस्थमा के कॉजस सिम्टम्स प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये सारे चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे आस्थमा को ब्रोंकियल आस्थमा भी कहते हैं इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कंडीशन अफेक्टिंग एयरवेज मींस ये क्रॉनिक कंडीशन है अस्थमा पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो पैसेज है वो अफेक्ट हो जाता है नॉर्मली इन एवरी ब्रीथ में जो हम ले एयर को नोज या माउथ से लेते हैं जो हम सांस लेते हैं ये एयर लंग्स में जो एल्यूलाई होते हैं वहाँ पे ये एड जाता है वहीं से ये एयर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है बट इस एयरवे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ के मजल्स टाइट हो जाते हैं तो पेशेंट में आस्थमा के सिम्टम्स दिखाई दे अब आते हैं कॉजेस की तरफ कॉजेस क्या है आस्थमा के आस्थमा किसी भी एज में हो सकता है तो कॉमन कॉजेस क्या है फर्स्ट इज इन्विरामेंटल फैक्टर्स जेनेटिक्स भी हो सकता है फैमिली हिस्ट्री से भी आ सकता है एलर्जिक कंडीशन एंड चाइल्ड हुड वायरल इन्फेक्शन ये सारे कॉजेस आते हैं अब आते हैं हम सिम्टम्स की तरफ अस्थमा के पेशेंट में क्या सिम्टम्स रहते हैं सो कॉफ फर्स्ट इज़ कॉफ कॉफ विल बी सीवियर स्पेशली एट नाइट और वीजिंग वीजिंग रहता है वीजिंग मतलब ब्रीथिंग करते टाइम एक आवाज़ आती, आवाज आती है उसे वीजिंग कहते हैं जैसा कि गर गुई जुई आवाज़ आती है उसे वीजिंग कहते हैं थर्ड थर्ड सिम्टम इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दम चढ़ना होता है जिसे डिस्निया भी कहते हैं और फोर्थ इज़ ट्रैक ट्रकिकार्डिया ट्रकी का मतलब है कि फास्ट हार्ट रेट अस्थमा पेशेंट्स में हार्ट बीट भी फास्ट रहती है कोई पेशेंट्स में एंड चेस्ट टाइटनेस भी हो सकता है सो so, ये सारे सिम्टम्स अस्थमा के हो सकते हैं अगर ये सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो पेशेंट को अस्थमा अटैक भी आ सकता है अटैक कैन बी सडन माइल्ड टू सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है सो so, अब हम आते हैं डायग्नोसिस की तरफ डायग्नोसिस ऑफ फास्तमा पेशेंट में डॉक्टर बहुत सारे चीज़ें लेते हैं मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं इंक्लूडिंग फैमिली हिस्ट्री और जो सिम्टम्स भी लेते हैं एनी हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज और अदर लंग डिजीजेस का सिम्टम्स के भी डायग्नोसिस हेल्प करता है एंड स्पाइरोट्री भी रिकमेंड कर सकते हैं डॉक्टर्स सो दिस टेस्ट मेजर्स एयर फ्लो थ्रो लंग्स एंड इज़ यूज टू डायग्नोज एंड मोनिटर पेशेंट्स प्रोग्रेस विद ट्रीटमेंट नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट भी रिकमेंड होता है नाउ कमिंग टू होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी होम्योपैथी हैज़ एक्सेलेंट रेमिडीज फॉर ट्रीटिंग द आस्थमा पेशेंट्स एंड सो फर्स्ट ड्रग इज स्पॉन्जिया स्पॉन्जिया एक बहुत अच्छा और प्रूवन रेमिडी है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए इसमें कॉफ वेरी प्रोमिनेंट रहती है अलॉन्ग विथ डिस्निया एंड वन स्ट्राइकिंग फीचर जो रहता है पेशेंट में ईटिंग एंड ड्रिंकिंग गिव रिलीव टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट एंड ये रेमिडी थर्टी पोटेंसी में ले सकते हैं टू ड्रॉप्स फॉर सेवन डेज डेली वन टाइम फॉर वन मंथ के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं आप द नेक्स्ट ड्रग इज कैली कार्ब कैली कैलकेरिया कार्बोनिकर्म इज़ ए वेरी डीप एक्टिंग रेमिडी तो ये अक्यूट अटैक्स में ज़्यादा नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं बट क्रॉनिक केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और कैल्केरिया का पेशेंट इस टेरिबली सेंसिटिव टू तो कोल्ड रहता है एंड एडवाइजेबल टू गिव दिस रेमिडी इन नाइट बिफोर रिटायरिंग टू बेड तो ये रेमिडी आप थर्टी पोटेंसी में टू ड्रॉप्स डेली ले सकते हैं फॉर सेवन डेज कमिंग टू अनदर ड्रग एंटीमोनियम टाटारिकम एंटीमोनियम टाटा डिकम बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव uh, रेमिडी है आस्थमा पेशेंट्स के लिए एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ लंग्स रहता है वेरी बैड डिसनिया ड्यू टू एक्सेसिव एकोमिलेशन ऑफ म्यूकस इन लंग्स सो पेशेंट को uh, जैसो म्यूकस निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती हैं बहुत तकलीफ होती है लाइक पेशेंट इज़ अनेबल टू एक्सपेक्टोरेट और साइनोसिस जो ब्लूज डिस्कोरेशन होता है वो भी प्रेजेंट रहता है एंटीमोनियम टाटारिकम रिकम पेशेंट में सो so, ये रेमिडी थर्टी पोटेंसी में आप टू ड्रॉप्स डेली थ्री टाइम्स ले सकते हैं फॉर सेवन डेज एनअर ड्रग इज एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसन है जो ये ड्रॉप्स मदर टीचर ड्रॉप्स में ले सकते हैं और इसका प्रोमिनेंट फीचर ये रहता है कि इवन स्लाइटेस्ट मोमेंट पेशेंट गेट्स एग्रेवेटेड विथ सिम्टम्स तो ये टेन ड्रॉप्स एक हाफ कप वाटर में ले सकते हैं फॉर दो टाइम लेना है फॉर वन मंथ द नेक्स्ट ड्रग इज पोथोस। पोथोस ड्रॉप्स मदर टींचर ड्रॉप्स आर वेरी एक्सेलेंट ये वो पेशेंट्स के लिए है जिसको डस्ट एलर्जी से ये अटैक होता है डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी होती है उसमें पोथोस दे सकते हैं ये टेन ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर आप वन मंथ के लिए ले सकते हैं डेली टू टाइम सो so, ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसन्स जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं आस्थमा पेशेंट में अब आते हैं हम प्रिवेंशन की तरफ के मेडिसिन के साथ साथ प्रिवेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है तो आस्थमा जो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उन्हें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं जैसे कि पोल्यूशन है स्मोकिंग डस्ट पैट्स फैटी फूड एक्सेट्रा सो इन चीज़ों से अगर सिम्टम्स एग्रवेट हो रहे हैं सो so ये पेशेंट को चाहिए कि ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करे और ये चीज़ों को अवॉइड करे जिससे ये सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं एंड डाइट में भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि कौन सी चीज़ से सिम्टम्स एग्रवेट हो रहे हैं वो चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है सो so, ये था आज का हमारा वीडियो आज हमने कंप्लीट आस्थमा के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन ले ली है अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू